हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर परानुदर, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड मेडिकल कॉस्मेटिक्स। आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद इम्यून सिस्टम में इफेक्ट होता है या नहीं। डज हेयर ट्रांसप्लांट इफेक्ट इम्यून सिस्टम? अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इम्यून सिस्टम होता क्या है। इम्यून सिस्टम जो है बेसिकली डिफेंसिव मेकानिज्म है हमारे बॉडी का, जो फाइट करता है आपके वेरियस डिजीज अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज, वायरल डिजीज लाइक आपका कोल्ड, कफ, सोर थ्रोट। ठीक है, इम्यून सिस्टम जो है वो मेडअप होता है आपका, बने हुए होते हैं आपके ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स से। ये हमारे बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब हर मोस्टली ऑल पार्ट ऑफ बॉडी में फैले होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपको मिलेंगे ब्लड सेल्स में और लिम्फैटिक टिश्यूज में, जैसे कि आपके थाइमस हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, अपेंडिक्स हो गए, लिम्फ नोड्स, इन सब जगहों में ये प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। अब इम्यून सिस्टम का जो फंक्शन है ये क्या करता है, बेसिकली हमारे बॉडी में एज अ मिलिट्री एजेंट काम करता है। ये हमारे बॉडी को बाहर के जितने जो पैथोजेंस है उससे बचाता है, इन्फेक्शन से क्योर करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारे एबनॉर्मल सेल्स है उनको रिमूव करता है बॉडी से, डैमेज सेल्स को रिपेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है ये इसका डिफेंसिव मेकनिज्म है, तो इट एक्ट एज अ बैरियर टू प्रिवेंट अस फ्रॉम द इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम अब ये जानेंगे, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट एक मैकेनिकल मैकेनिज्म है, हम इसमें आपके स्कैल्प से मतलब डोनर पार्ट से हेयर निकालते हैं, या बियर्ड से, या फिर सम अदर शॉर्प टिश्यू हमारे बॉडी से। ठीक है, और इसको इम्प्लांट करते हैं हमारे रिसिपिएंट एरिया, मतलब हमारा जहाँ पे बाल नहीं है या जहाँ पे बाल जो है थिन हो गए हैं। तो इससे इसमें ये जो है ये जस्ट एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इस हम लोग ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को बहुत ही मिनिमल मेडिसिन देते हैं या सप्लीमेंट देते हैं, जो आपके एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और पेन किलर जैसे कि एनाल्जेसिक देते हैं, और ये जस्ट दो वन वीक या 10 डेज का रहता है, मिनिमम 1 वीक के डोज रहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है मिनिमम लास्ट करता है 1 से 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, ये 1 से 2 दिन ही ये प्रोसेस चलता है। और हम लोग इसमें ये जो सिस्टम है मतलब हेयर हमारा इम्यून सिस्टम और ट्रांसप्लांट, हमारा ट्रांसप्लांट जो है जस्ट अ बेसिक मैकेनिकल प्रोसेस है, हमारे इम्यून सिस्टम को किसी भी तरह से हार्म नहीं करता। तो आप लोग बेशक निश्चिंत रहिए कि नहीं, हमारा ट्रांसप्लांट कराने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम में कोई इफेक्ट होता नहीं, एकदम ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो मेडिसिन देते हैं जस्ट 1 वीक, और ये जो सर्जरी रहती है बहुत ज़्यादा 1 से 2 दिन। तो ये चीज़ है कि बहुत से लोग अब क्वेश्चन करते हैं कि इम्यून ट्रांसप्लांट करने के बाद मेरी इम्यूनिटी लो हो गई। हमारी इम्यूनिटी लो ट्रांसप्लांट से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। इम्यून सिस्टम जो है इज अ नेचुरल प्रोसेस और ट्रांसप्लांट जो है एक मैकेनिकल प्रोसेस, इट्स क्वाइट डिफरेंट। और जो हम लोग ट्रांसप्लांट करने के बाद जो मेडिसिन देते हैं या जो सप्लीमेंट देते हैं वो जस्ट 1 वीक का रहता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को कभी भी कम नहीं करेगा। तो आप आ सकते हैं हमारे पास, ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, और अगर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे हेयर केयर बांग्ला पे लॉग इन करें। आई एम ग्लैड टू हेल्प यू। थैंक यू। Thanks for watching my this video. Please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all notification automatically. Thank you.